गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो फ्रॉम माय चैनल क्लोज टू हिमालयस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग यहाँ ब्रतिस्लावा में कैसे करती हूँ। इंडिया में जैसे हमारे घर के पास बहुत सारी वेजिटेबल शॉप्स होती हैं या फिर जनरल स्टोर्स होते हैं, यहाँ पर ऐसा सब कुछ नहीं होता। हमें सुपरमार्केट्स जाके शॉपिंग करनी होती है, जो भी करनी होती है। तो मैं आज आपको लेके जाऊंगी, उसमें इंडियन स्टफ इतना नहीं मिलता है। जैसे हमें अगर मसाले चाहिए या हमें आटा वगैरह चाहिए तो उसके हमें इंडियन स्टोर ही जाना पड़ता है, जो कि मेरी सिटी ब्रतिस्लावा में सिर्फ एक ही इंडियन स्टोर है। तो वहाँ पे भी मैं आपको कभी ले जाऊंगी और वहाँ की वीडियो दिखाऊंगी, बट आज मैं आपको यहाँ की सुपरमार्केट्स की दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं, टेस्को है, बिल्ला है, यम्मी, लिडिल, बहुत सारे हैं, बट जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं टेस्को जाती हूँ और मैं वही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वहाँ का थोड़ा अच्छे से मुझे अब आइडिया हो गया है। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तो एक तो जो भी चीज़ हम लेते थे सब कुछ स्लोवाक लैंग्वेज में होता था, तो हमें वो गूगल ट्रांसलेट करना होता था हर चीज़, और फिर उसके बाद ही हमें पता चलता था कि ये क्या है। दही ढूंढने में हमें इतने टाइम लग गया यहाँ पे, बिकॉज इतने सारे फ्लेवर्स के होते हैं यहाँ पे। एक नॉर्मल जो दही होता है वो ढूंढने में टाइम लग गया, बटर ढूंढने में, सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। तो चलिए चलते हैं। गाइस, अगर आपको यहाँ सुपरमार्केट में ट्रॉली यूज करनी है तो उसमें आपको 50 सेंट्स या 1 यूरो का कॉइन डालना होगा, जिसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे आपको ये येलो नींबू मिलेंगे। आज टमाटर डिस्काउंट में है, यूजुअली यहाँ पे टमाटर आपको 2.49 या 2.89 यूरोस के मिलते हैं। Now this is my biggest challenge in Tesco, इस ट्रॉली बैग को खोलना। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ अनियन मिलेंगे, येलो अनियन, व्हाइट अनियन एंड रेड अनियन, बट हम इंडियंस तो रेड अनियन ही प्रेफर करते हैं खाने के लिए। यहाँ पर मिंट के, धनिया के, बासिल लीव्स के ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं जो हम लेके जाते हैं हमेशा, तो आज मैं ले रही हूँ बासिल लीव्स। और ये है पालक, यहाँ पर पालक आपको पैक्ड और वॉश्ड मिलते हैं। और उस कॉर्नर में आपको क्रिसमस से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। और अब मैं जिस सेक्शन में जा रही हूँ, यहाँ पर सारे डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, लाइक दूध, दही, चीज एक्सेट्रा। और यहाँ पे बहुत टाइप्स ऑफ मिल्क आते हैं, बट मैं ये ब्लू वाला प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये लो फैट मिल्क है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज ऑफ योगर्ट मिल जाएंगे, बट मैं ये नेचुरल वाला लेना प्रेफर करती हूँ। और ये है बटर, जिसको स्लोवाक में मास्लो बोलते हैं।
और ये पूरा सेक्शन फ्रोजन प्रोडक्ट्स का है, जहाँ पर आपको रेडी टू ईट पिज्जा या फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब कुछ मिलेंगे। और मैं ले रही हूँ मार्गरीटा। और ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन फ्रोजन वेजिटेबल्स का है, जैसे कि ये पूरा मिक्स वेजिटेबल्स का पैक है। इसमें कैरेट एंड पीस का पैक है। मैं यहाँ से ब्रोकली फ्रोजन और बीन्स और मटर लेती हूँ। बीन्स यहाँ पर फ्रोजन ही अवेलेबल होती हैं, फ्रेश बीन्स यहाँ पर बहुत कम आती हैं, जो कि सिर्फ सीजन में अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर फ्रोजन पालक भी अवेलेबल है और ऊपर सारे स्मूदी मिक्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। और ये सेक्शन है ब्रेड का, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड आपको मिल जाएंगी। और अब मैं ले रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, जो मैं बच्चों में बहुत खाती थी, क्रीम रोल। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी दालें मिल जाएंगी। जो भी दालें हम इंडिया में खाते हैं वो सारी दालें यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट जो दालें हमें यहाँ पे नहीं मिलती है उसके लिए फिर हमको इंडियन स्टोर जाना पड़ता है और हम वहां से लेके आते हैं। बट जो बेसिक दालें होती हैं, अरहर मलका मूंग या फिर राजमा छोले, वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं स्टोर में। और ये सुतली बम की तरह लग रहा है जो हम दिवाली में जलाते हैं, बट ये बेसिकली एक चॉकलेट है। और ये है चॉकलेट्स का सेक्शन। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, बट कुछ चॉकलेट्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं। अभी यहाँ पर क्रिसमस का टाइम है, तो यहाँ पे लिकर सेक्शन में आपको बहुत सारी वैरायटी में गिफ्ट पैक्स दिख जाएंगे। जैसे कि ये मेरे हाथ में अभी एक जैक डैनियल का गिफ्ट पैक है, जो कि एक गिटार शेप में है। जैसे स्टार्टिंग में आपने मुझे देखा था एक कॉइन डालते हुए, तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करके वो कॉइन वापस ले लूँगी। तो ये ट्रॉली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी।